हेलो दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग मिश्रण पर आधारित प्रश्न देखेंगे और ये टाइप 7 होगा। बहुत आसान विधि से बताऊंगा और टोटल 4 ही क्वेश्चन रहेगा, लेकिन हर टाइप का क्वेश्चन रहेगा। पूरा वीडियो देखना, छोटा सा वीडियो रहेगा लेकिन हर टाइप के क्वेश्चन को कराऊंगा और लास्ट वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर रहेगा, सारे क्वेश्चन को आप देख सकते हो किस तरह से इसको हम आसान विधि से बताएंगे, मेरा कॉन्सेप्ट को देख सकते हैं। तो चलिए, जो लोग नए जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि हमारा नोटिफिकेशन मिल सके। तो स्टार्ट करते हैं, पहला क्वेश्चन क्या है। तो देखिए क्वेश्चन, देखिए मिश्रण पर आधारित प्रश्न टाइप 7 है, चार चार क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। चारों क्वेश्चन को अगर आप देखेंगे तो सब क्वेश्चन अलग अलग विधि से बनाने का यहाँ पे बताया गया, यानी कि क्वेश्चन का लैंग्वेज अलग अलग कर दिया गया। तो हम आपको हर क्वेश्चन को एक अच्छे ढंग से, यानी कि एक कॉन्सेप्ट वे में बताएंगे, ट्रिकी वे में। बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है, परेशान मत होइए, देखिए कैसे बनाओगे। तो पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि 15 लीटर घोल में 40% चीनी है, मतलब 15 लीटर का घोल है और 40% चीनी है। चीनी के साथ क्या घुलेगा? पानी, तो पानी रहा होगा। इसमें 3 लीटर पानी और मिला दिया जाए, ठीक है, तो नए घोल में चीनी का प्रतिशत क्या ज्ञात कीजिए। चीनी का प्रतिशत ज्ञात करना है, इसका मतलब टारगेट हमारा चीनी निकालना है, ठीक है, चीनी निकालना है और फिर उसका प्रतिशत, यानी कि 3 लीटर जाने के बाद 15 लीटर घोल है, 3 लीटर उसमें अगर जा रहा है पानी तो 18 लीटर का घोल बन रहा है, लेकिन अब चीनी का क्या है, तो 40% चीनी है। पहले 15 लीटर का 40% निकाल लो। तो देखो पहला क्वेश्चन आप क्या बनाओगे, 15 का 40% अगर निकालते हो तो कितना निकलेगा, 0 0 कट जाएगा, 15 चौके 60/10 होगा, 0 0 कट जाएगा, तो यानी कि 6 लीटर मेरा चीनी है, 6 लीटर 6 केजी जो समझो, ठीक है, चीनी हो गया हमारा। अब यहां से क्या होता है कि यहां से आपको यह समझना है कि हमको निकालना किसका परसेंट है, चीनी का परसेंट निकालना है। तो चीनी का जिसका भी प्रतिशत निकालते हैं ना, उसको ऊपर रखते हैं, 6 हो जाएगा, और नीचे जो हो जाएगा आपका कुल बिलियन हो जाएगा, कुल, जैसे कि आपका नंबर, जैसे कि आप मैट्रिक में परीक्षा दिए होंगे तो आप परसेंटेज कैसे निकाले, तो जो पास नंबर लाए थे ऊपर रखे होंगे और फुल मार्क्स नीचे रखे होंगे, उसी तरह से जो बिलियन हो गया, जो घोल हो गया, टोटल घोल जितना हो गया वो आपको नीचे रखना। तो टोटल देखो 15 लीटर था ही और इसमें 3 लीटर हम क्या मिला रहे हैं, 3 लीटर उसमें पानी जा रहा है, क्या जा रहा है हमारा, पानी जा रहा है। तो 15 लीटर का घोल में 3 लीटर अगर पानी चल जाएगा तो कितना लीटर हो जाएगा, 18 लीटर, तो यहाँ पे 18 लिख देना और गुना 100 कर देना, आपका आंसर आ जाएगा चीनी, यानी कि क्वेश्चन में एक लास्ट में बोला है घोल में चीनी का प्रतिशत, तो ये हमारा चीनी का प्रतिशत हुआ, चीनी का परसेंट, ठीक है। अब 6 × 18 तो 33.1/3% मेरा चीनी का प्रतिशत हो जाएगा, यानी कि इसको इससे भाग दे देना, आंसर आ जाएगा, क्लियर है, पहला क्वेश्चन बन गया। उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 2 देख लो, 2 भी आपका थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज है लेकिन आप बना सकते हो, बनाओ, देखो क्या कहता है। बालू और लोहे के 10 केजी मिश्रण में 20% लोहा है, समझना बात को, बालू और लोहे का 10 केजी मिश्रण है, 10 किलो मिश्रण है, ठीक है, और हमको कितना दिया गया है, 20% हमको क्या दिया है, लोहा दिया है, तो लोहा की मात्रा तो आप यहाँ से निकाल सकते हो। देखो हम ना डायरेक्ट निकाल सकते हैं लोहा कितना परसेंट है, किसी भी संख्या का, हम बताए थे आपको किसी भी संख्या का 10% निकालना हो तो एक अंक के बाद दशमलव दे दो, तो 1 किलो होगा 10%, तो 2 किलो हो जाएगा मेरा, यानी कि लोहा 20% 2 किलो होगा, नहीं समझ में आया, 10 × 20/100, 20×5 5×2 = 10 बराबर 2 केजी, 2 केजी मेरा क्या हुआ, लोहा हो गया, ठीक है, तो वही हम 2 केजी लोहा लिख दिए। अब अगर मेरे पास 10 केजी में 2 केजी लोहा है तो दूसरा क्या है, लोहा के बाद क्या है, बालू, और बालू कितना हो गया, तो बालू हो गया मेरा 10 − 2 = 8 केजी, ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं, ये अपना मन से कर सकते हो कि ये कॉन्सेप्ट आसान है आपका निकालना। अब यहाँ से आगे पढ़ो तो कहता है कि 20% लोहा है, उसमें कितना बालू और मिला दिया जाए कि, मिला दी जाए कि लोहा 10% हो जाए। देखो यहाँ पे थोड़ा सा आपको चेंज करना है क्या, अब देखो उसमें क्या मिला रहा है हमको, क्वेश्चन में मिला क्या रहा है, कितना बालू और मिला दिया जाए, तो फिलहाल तो लोहा ठीक है, तो बोलेंगे चलो लोहा तो 2 है, बालू मिला रहा है, बालू 8 है, तो मिलाना का मतलब उसकी वृद्धि करना, +8 कर देना, इसमें +x कर देना, x मिला दिया जाए, ठीक है, हम क्या बोल रहे हैं, बालू x मिला दिया जाए, तो बराबर क्या होना चाहिए, तो कहता है कितना हो जाना चाहिए, लास्ट का लाइन पढ़ो कि लोहा 10% हो जाए, लोहा 10% हो जाए, समझना बात को, तो लोहा तो ऊपर लिखे हैं, ये 2 लोहा है, तो लोहा 10% हो जाए तो ऊपर 10 हो जाएगा, तो नीचे मेरा कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा, और 90 क्यों होगा पता है आप लोग को, क्योंकि 90 और 10 100,
अगर 10% लोहा होगा तो 90 मेरा क्या रहा होगा, रेशियो में 90 मेरा बालू रहा होगा। तो यही तो है, ये कॉन्सेप्ट अगर आप सीख जाते हैं तो आप आसानी से बना सकते हैं, नहीं तो फिर दिक्कत होगा आपको, ठीक है। तो आप इसको आप बना लो, देखो आप इसको क्या करो, 0 0 कटा लो, ठीक है, और इधर उधर गुना कर लो, तो क्या हो जाएगा, 8 + x = 9 × 18 हो जाएगा। तो x बराबर क्या होगा, 18 - 8 बराबर क्या होगा, 10, ठीक है, यानी कि मेरा 10 आंसर हो जाएगा, 10 kg। ये कितना मिला दिया जाए, क्या मिला रहे थे हम लोग, बालू, कितना बालू मिलाएंगे, 10 किलो। क्या हो जाएगा, मेरा परसेंटेज घट जाएगा, पहले 20% था अगर मिश्रण में क्या लोहा, तो अब 10% हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो गया। तो ऐसे छोटा सा तो कॉन्सेप्ट है, बस सीख के रखना है, प्रैक्टिस रखना, बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देख लो, 3 भी आप आसानी से बना सकते हो, बना के देखो, बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 की अगर हम बात करें तो कहता है क्या कि अल्कोहल और पानी के 40 लीटर विलयन में 25% अल्कोहल है। कितना है, 40 लीटर अगर विलयन है, 40 लीटर का विलयन है और 25% मेरा अल्कोहल है, तो अल्कोहल की मात्रा अगर हम निकालते हैं तो 40 × 25/100, 25 × 100, 4 × 40 बराबर 10 लीटर अल्कोहल है। दूसरी बात, अगर आप इसको बिना पेन चलाए निकालोगे तो हम आपको बताए थे किसी भी संख्या का 10% निकालना है तो आप आसानी से एक अंक के बाद दशमलव दोगे। तो 10% 4, फिर अगला 10% 4, 10 10 20, और 20 हो जाएगा 8, और फिर 5% 4 का आधा 2, तो 8 में 2 जोड़ दो, क्या होगा, 10 लीटर, ठीक है। नहीं समझे, देखो 40 लीटर है ना मेरे पास, तो हम इसका अगर 10% निकालेंगे तो निकलेगा 4, फिर 10% निकालेंगे तो निकलेगा 4, और 5% निकालेंगे तो 10 का आधे को 10, 10 का आधा 5, तो 4 का आधा 2, तो 25% बराबर मेरा कितना हो जाएगा, 10। और ये काम आप ना माइंड में कर सकते हो, ठीक है, ऐसा नहीं कर रहे हैं कि आप इसी तरह से निकालो। तो 10 लीटर मेरा क्या हो गया, मेरा अल्कोहल हो गया। अब क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं, अगर 40 लीटर विलयन में 10 लीटर अल्कोहल है तो वाटर कितना है, तो वाटर हो जाएगा मेरा 40 - 10 = 30 लीटर। कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए यहाँ तक, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, अब क्वेश्चन को समझ लेते पहले, देखो अभी तो अधूरा ही पढ़े थे, 25% होगा, उसमें अल्कोहल कितना लीटर कम डाला गया होता कि 20% हो जाए, यानी कि क्वेश्चन देखो कहता है क्या, उसमें अल्कोहल कितना है, कितने लीटर कम डाला गया होता कि वह 20% होता, ठीक है, 20% होता, कम डालना है हमको कितना अल्कोहल, तो हम बोलेंगे क्या सर, 10 है ना, 10 अल्कोहल है, कम कितना डालेंगे, तो एक्स डाल दीजिए, अब बटा 30 बराबर कितना कम होना चाहिए, क्या हो जाना चाहिए, अल्कोहल लास्ट वाला लाइन को पढ़ो कि कहता है कि 20% हो जाए, क्या हो जाए 20%, अल्कोहल कितने लीटर कम डाला जाए कि वह 20% हो जाए। 20% का मतलब अगर ये 20 मेरा अल्कोहल हो रहा है, 20% हो रहा है, तो इसका मतलब पानी मेरा 80 हो रहा है, ठीक है। इसको सॉल्व करो, आंसर पाओगे, तो 20 × 80, ठीक है, इधर गुना कर दो क्रॉस, ठीक है, 4 × 40 - 4x = 30, ठीक है, यहाँ एक है ना, इसको गुना कर दिए। अब देखो इसको 4x को उधर ले आओ, 30 को इधर ले आओ, तो क्या होगा, देखो 40 - 30 तो 10 हो जाएगा, यानी कि 4x बराबर हो जाएगा मेरा 10, ठीक है। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 10/4 बराबर कितना होगा, 4 × 2 = 8, 2 × 2 = 2, 2 + 4 = 20, 2.5 लीटर मेरा आंसर होगा, ठीक है, 2.5 × 10 होता है ना, आसान, आपको समझ में आना चाहिए, क्वेश्चन आसान है, देखो हम आपको कॉन्सेप्ट सिखा रहे हैं, अगर आप इसको एग्जाम में बनाओगे तो बहुत जल्दी बना सकते हो, क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका लास्ट है, 4 नंबर देख लेते हैं। देखिए अगर 4 नंबर क्वेश्चन की हम बात करें तो 4 नंबर क्वेश्चन कहता है कि 2 धातुओं के 25 ग्राम मिश्रण में 40% पहली धातु है, दूसरी धातु कितनी कम कर दी जाए कि उसका प्रतिशत 50% हो जाए, ठीक है। आसान क्वेश्चन है, आपको इस तरह के क्वेश्चन को बनाने के लिए, फिर वही कॉन्सेप्ट है, 2 धातु है तो पहला धातु और दूसरा धातु निकाल लेते हैं, फिलहाल है कितना, 25 ग्राम मिश्रण है, तो 25 ग्राम मिश्रण में कुछ तो बोला होगा परसेंट, 40% पहली धातु है, पहली धातु निकाल लो, तो 40/100 निकाल लो, तो देखो 0 0 कट जाएगा, 5 × 10 = 25, 2 × 4 =
पाँच दुना दस, यानी कि 10 लीटर मेरा क्या है, पहली धातु है, ठीक है। अगर 10 ग्राम है, ग्राम, तो 10 ग्राम अगर पहली है तो दूसरी कितना है पता कर लो। तो देखो ध्यान से क्वेश्चन में क्या बोला है, क्वेश्चन में कितना टोटल दिया है, टोटल हमको दिया है 25, तो अगर 10 है तो ये मेरा 15 हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? अगर ये 10 है तो ये मेरा 15 हो जाएगा। और हमको यहाँ पर क्या कहता है, क्वेश्चन में कहता है क्या कि दूसरी धातु, चल हाँ, दूसरी धातु कितना कम कर दी जाए, तो इसको कम करना, यानी कि इसको रेशियो में अगर समझते हो तो 10/15 - x = कितना परसेंट हो जाए, 50% हो जाए। क्या हो जाए, पहली यानी कि कम कर दी जाए कि उसका प्रतिशत 50% हो जाए, यानी कि ये अगर 50 होगा तो नीचे भी तो 50 होगा, 50 50 100, ये कटेगा एक बार में, इधर गुना, तो क्या हो जाएगा 10/15 - x, ठीक है। इस x को इधर ले जाओ, x = 15 - 10 = x बराबर क्या हो गया, 15 में 10 जाएगा, 5 ग्राम आंसर आपका हो गया। क्लियर है? ऐसे बनता है सारे क्वेश्चन, आपको सॉल्व करा दिए। कैसा लगा कमेंट करके आप हमको बता सकते हैं। और इसके बाद आगे की जो टाइप होगा ना, वो जनसंख्या पर आधारित प्रश्न होगा और वो टाइप 8 होगा, और उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में देंगे, या फिर आई बटन चेक करो, वहाँ से अगला पार्ट या फिर स्क्रीन पर आ रहा होगा, उसको टच करो, टाइप 8 को भी पढ़ लो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, और आसान विधि है, आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए, पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, फिर अगले सेशन में मिलते हैं, धन्यवाद।